ये अपने आप को जलाने का उदाहरण है, अपने आप को तबाह करने का उदाहरण है। कैसे कुछ लोग अपने आप को जला देते हैं, ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, हमारे आंखों के सामने बहुत कुछ घटित हो रहा है, लेकिन हम अनभिज्ञ हैं, हमको समझ ही नहीं आता। प्रकृति हमें रोज सिखाती है कि जलना तो पड़ेगा। आज मैं एक ईगल की कहानी शेयर करता हूँ, ये बर्ड किंगडम का राजा है। प्रकृति हमें रोज सिखाती है, इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन ईगल तो आपको जलना पड़ेगा। 70 साल औसतन उम्र होती है ईगल की, लेकिन जब इसकी उम्र 40 साल होती है तो इसकी चोंच है जो आगे से मुड़ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ये शिकार नहीं कर सकता। इसके जो पंख है, ये जिससे उड़ता है, ये इतनी भारी हो जाती है कि इसके छाती से चिपक जाती है, इसको उड़ने में तकलीफ होने लगता है। इसके जो पैर है जिससे ये झपट्टा मारता है अपने शिकार पे, वो पैर के नाखून भी टेढ़े हो जाते हैं शिकार कर करके। अब इसके पास चॉइस है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि ये उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता, शिकार को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि पैर के नाखून टेढ़े हो चुके हैं, और अगर पकड़ भी ले तो चोंच से इसको मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल बाद अपने एरिया के सबसे ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और वहां जाकर अपने चोंच को पत्थर पर मारना शुरू कर देता है, और जब चोंच पत्थर पर मारी जाती है तो पीड़ा होती है, और पत्थर पर मार मार कर खून निकलता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मरता रहता है, लेकिन वो मारता रहता है और मार मार के अपने चोंच को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति उसको नहीं देगी। लेकिन वो जो तोड़ने का प्रोसेस है वो बहुत पीड़ादायक। सेम कहानी, वो जो पैर के नाखून है उसको शिला के ऊपर रगड़ता है और रगड़ रगड़ के तोड़ देता है उसको। कितना पेनफुल रहता होगा यार। लेकिन हर ईगल के जीवन में ऐसा दिन आता है 40 साल के बाद, जैसे ही चोंच निकलती है, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जैसे ही नया चोंच आता है, फिर वो अपने चोंच से अपने पंखों को तोड़ने लगता है जो कि उड़ने के लायक नहीं बची। अपने ही जिस्म से अपने परों को तोड़ना कितना पेनफुल होता है, भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल को गुजरना होता है 40 साल के बाद। इस प्रोसेस में 6 महीने का वक्त लगता है, और वो 6 महीने के बाद एक नया ईगल होकर 30 साल तक और जीता है, 30 साल और जीता है सर। तो आहुति तो देनी पड़ेगी। आज, कल, परसों, चॉइस इज योर्स। मैं फिर कहता हूं, आज कंफर्टेबल हो जाओगे तो जिंदगी भर अनकंफर्टेबल रहोगे, लेकिन आज कुछ साल अनकंफर्टेबल हो जाओगे तो पूरी जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी। चॉइस इज योर्स। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए मेरे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही जो भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से प्रेम पूर्वक बहुत